पापा आपको कितनी बार कहा है ना, ये खटारा यहाँ मत खड़ा किया करो यार। बेटा अपना घर है तो फिर ये गाड़ी और कहाँ लगाऊंगा। गाड़ी गाड़ी कहते हैं आप इसे, कबाड़ है ये कबाड़। आपको सुबह बताया था ना मेरे दोस्त आने वाले, वो आएंगे पूछेंगे तो क्या कहूंगी, मेरा बाप एक ऑटो ड्राइवर है। बेटा तो मैं ऑटो ड्राइवर ही तो हूँ ना। हाँ एक ऑटो ड्राइवर ही है आप, पर ये कोई शान की बात तो है नहीं ना पापा की इधर उधर बताती फिरूंगी। प्लीज ये सब बकवास बंद करिए, हटाइए आप इसे यार। अरे अरे बेटा। पापा तुम यहाँ कब से खड़ी हो, चलो चलो तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, आओ। पापा आपको कितनी बार कहा है मेरे कॉलेज के आसपास मत घूमा करो। ओ बेटा वो पीछे सड़क खराब थी इसलिए मैं इस तरफ से चला आया। जो भी हो अब जाओ आप यहाँ से, जल्दी जाओ। अरे अनिष्का क्या हुआ। अरे यार कुछ नहीं, ऑटो वाले को तो जानती है ना, मीटर चलता नहीं है और आ जाते हैं सड़क पर। नहीं जाना है अंकल, नहीं जाना है, जाइए। अरे कहा ना नहीं जाना है, जाइए। इसको भी अभी पापा। हाँ बेटा। मेरी जॉब लग गई। क्या बात है। हाँ 25 लाख का पैकेज लगा है। अरे वाह बेटा शाबाश शाबाश। आज शाम को हम सब लोग ना मंदिर चलेंगे, मैंने तेरे लिए ना मन्नत मांगी थी बेटा। और अब हम जाएंगे कैसे, अपना ऑटो है ना। पापा ये ऑटो अभी तो यहाँ है, शाम तक शायद ना रहे। क्या मतलब। मैंने सोनू से बात की है, वो इसे खरीदने के लिए तैयार है, अब शाम में उसे पेपर्स दे देना। लेकिन बेटा इतने सालों से इस ऑटो ने हमें कितना सहारा दिया है। पापा इस बार ना मैंने डिसाइड कर लिया है, या तो अब आप इस घर में मुझे रख लो या तो आप इस कबाड़ को रख लो। अब शाम में उसे पेपर्स दे दे, या तो आप इस घर में मुझे रख दे रख, या तो आप इस कबाड़ को रख। हेलो। हाँ भैया। तूने पापा का ऑटो बिकवा दिया। हाँ तो अब क्या वो पूरी जिंदगी ऑटो चला चला कर हमें दुखी करेंगे क्या। तुझे पता भी है तेरा मेरा करियर उस ऑटो ने बनाया है। करियर बनाया मतलब। तुझे पता है जब तू छोटी थी ना तो पापा भी 10 से 6 की गवर्नमेंट जॉब करते थे, और उन्हें ना पता था कि ये 7 घंटे की नौकरी करके वो हमारी लाइफ नहीं बना सकते, इसलिए उन्होंने ऑटो चलाना स्टार्ट कर दिया। एक्स्ट्रा पैसों के लिए ना वो 15-16 घंटे काम किया करते थे ताकि हमारी लाइफ बेहतर कर सके। भैया आपने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया। मुझे लगा तू खुद समझ जाएगी, लेकिन तुझे अपने लाइफस्टाइल और स्टैंडर्ड के आगे कुछ दिखाई नहीं। I'm so sorry भैया। Sorry मुझे नहीं पापा को। ठीक है। चल ठीक है बाय। हाँ हेलो बेटा। पापा आज मेरे ऑफिस का पहला दिन है, आप मेरे साथ ऑफिस चलिए, मैं आपका बाहर इंतजार कर रही हूँ। ठीक है बेटा मैं आता हूँ। ठीक है। मेरा ऑटो। हाँ पापा आज ही इसे वापस खरीद के लाई, हमेशा से आपको और इस ऑटो को लेकर शर्मिंदा फील करती रही, बट आई प्रॉमिस आई हैव चेंज्ड। और अब हम अपनी इसी ऑटो में बैठ के मेरे ऑफिस जाएंगे, आप मेरे बॉस से मिलेंगे, मेरे कलीग से और मेरे दोस्तों से। नहीं नहीं बेटा ये मुझसे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा पापा, जरूर होगा। अरे
Arrogance and over-smartness usually lead to disaster. Let's try and avoid it. That's it for this story. See you next week. Khuda hafiz and stay positive. If you are going through any psychological or relationship problem, then you can join our positivity group by the name of Nijo Positive. It's a community counseling group wherein you can submit your problems anonymously and people in the group will try to solve it or support you with positivity. The link is in the description below. Thank you. Bye-bye.